नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड। स्वागत करता हूं आपका ब्रह्माटेक यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग अपना ज़मीन का लगान, यानी कि जो ज़मीन का रसीद करता है उसका लगान रसीद कैसे देख सकते हैं, या आप अपना बकाया राशि कैसे देख सकते हैं कि आपका ज़मीन का कितना अभी लगान बकाया है। तो दोस्तों उसको देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है और लैंड रिकॉर्ड लिखकर सर्च कर देना है। लैंड रिकॉर्ड बिहार लिखकर दोस्तों आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पहले वाले वेबसाइट यानी कि bihar.bhumi.bihar.gov.in पर दोस्तों ये वाला पहला वेबसाइट दिख जाएगा। इस पे दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट का लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद दोस्तों हम लोग को लगान देखना है, तो दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे सबसे पहले ऑनलाइन लगान वाले ऑप्शन पर। दोस्तों ये इसका होम पेज है, इस पर ऑनलाइन लगान वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगान, देखें ये वाला, ये जो सेकंड नंबर पे यहाँ ब्लू रंग में आ रहा है ये लिखा हुआ है लगान, देखें इस पे दोस्तों हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ज़िला का नाम, अंचल का नाम, हल्का का नाम, मौजा का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ज़िला का नाम दोस्तों आप अपना जौन सा भी ज़िला में रहते होंगे उस ज़िला का आप लोगों का नाम सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अंचल का नाम सिलेक्ट करना है, यानी कि दोस्तों आपको ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपना ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हल्का, यानी कि एक तरह से पंचायत होता है, तो पंचायत का आप अपना नाम सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको मौजा का नाम, यानी कि आपका ज़मीन कहाँ पर है वो सिलेक्ट करना है, तो आप अपना मौजा का नाम सिलेक्ट कर दीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को अपना ज़मीन खोजने का, मतलब कि आपका पहला वर्तमान भाग से खोज सकते हैं, या पृष्ठ संख्या वर्तमान से खोज सकते हैं, रैयत का नाम से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग खोज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना खाता नंबर से खोज लेते हैं। खोलने के लिए दोस्तों खाता नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों बगल में खाता नंबर आप लोगों को डाल देना है। चलिए दोस्तों हम अपना खाता नंबर डालकर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नीचे नाम आ जाएगा। तो दोस्तों आप अपना इसमें से आपका जोन सा भी होगा वो आप लोग को दोस्तों सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना जान लीजिएगा, उसके बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू वाले रंग में यहाँ पे देखे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों वापस से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल्स आपका ज़मीन का दिखा देगा कि कहाँ पे है आपका ज़मीन, तौजा संख्या कितना है, ये फिर सब चीज़ इसमें वर्तमान भाग ये सब पृष्ठ संख्या दिखा देगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ रैयत का नाम दिखा देगा और उनका जो हस्बैंड नेम या पति का नाम या पिता का नाम, ये सब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद चलिए नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं खाता संख्या और इधर प्लॉट संख्या आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पे कुल रकबा कितना है दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 एकड़ 27 डिसमिल दिखा रहा है। उसके नीचे आने पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भू लगान कितना लगता है, 10 रुपया ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। अब चलिए हम दोस्तों दिखाते हैं कि बकाया राशि कैसे देखना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ बकाया देखे पर क्लिक करना है। बकाया देखे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे जाइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कुल बकाया राशि है 24 रुपया 50 पैसा, और मतलब कि कुल देह राशि है, मतलब कि सब टैक्स वैक्स लेके जो देना पड़ेगा आपको 30 रुपया देना पड़ेगा। और दोस्तों देख सकते हैं तब से वर्ष इतना से इतना तक का रसीद आपका कट जाएगा, यानी कि दोस्तों 2021 से लेके यहाँ पे देख सकते हैं से वर्ष 2020 से 2021 तक, यहाँ 2020 से 2021 मतलब कि सेम यहाँ पर आपको करंट रसीद पाने के लिए दोस्तों आपको 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ से दोस्तों आप ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, अपना जो पेमेंट ये दिखा रहा है 30 रुपया वो दोस्तों आप पेमेंट भी कर सकते हैं, या पिछला भुगतान देखने के लिए दोस्तों पिछला भुगतान देखे पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका पिछला भुगतान देख सकते हैं 2016 से 2017 से 2017 से 2020 तक का मेरा भुगतान हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कितना का भुगतान हुआ था, 100 का हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर रसीद संख्या भी दिखा देगा, अगर आप अपना रसीद देखना चाहते हैं तो यहाँ देखे पे क्लिक करिएगा तो आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका ज़मीन का रसीद खुल जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आप अपना ज़मीन का रसीद भी आसानी से देख सकते हैं। और तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना भी ज़मीन का
भू लगान देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।